इकरारुल्लाहसन कौन है आपके ख्याल में? इकरारुल्लाहसन मुझे लगता है कि अब तक खुद को नहीं समझ पाया। कभी कोई दिन या कोई लम्हा आपको ऐसा लगा हो कि यार बस मर गए? आईबी वाला उतना खौफनाक नहीं था, जो मुझे 2012 का सोच के ना अब भी झुरझुरी आती है। सबने अटैक कर दिया, किसी ने ईंट उठाई हुई है, किसी के पास पिस्टल है, किसी के पास उस जात का वेपन है जो शायद मैंने उससे पहले देखा भी कभी नहीं था। मैंने अपनी वालदा वगैरह को सोच लिया था, अपने बच्चे को सोच लिया था कि ये जो है ना आज आखिरी दिन। इससे बड़ी बहादुरी की है, 2 शादियां की हैं आपने और आज भी आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, बताते हैं। इस मुआशरे में वाकईतन ये बहादुरी है। जो मीनारे पाकिस्तान वाकया हुआ था, क्या कुछ झेलना पड़ा आपको? आज भी ये चैलेंज करता हूँ कि जो भी मीनारे पाकिस्तान वाकये में तनकीद करते हैं उनसे पूछें कि यार इस वाकये में इकरारुल्लाहसन का कसूर क्या था। कि इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, आपको अगर इख्तियार मिले इनमें से चुनने का तो आप किसको चुनेंगे? पिस्टल रख के पूछे कि भाई इनमें से किसी को लाजमी चुनना है तो फिर शायद मैं सोचूं। अपने वक्त पे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाना है और जब फायदा है तब आप एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बन जाए और वो आपकी। तो मेरे ख्याल में दरमियान में तो आपको कोई ऐसी ऑफर आई थी कि आप थोड़ा सा डगमगाए थे, बोल की और करोड़ रुपए की थी ऑफर में, 1 करोड़ रुपए का पैकेज। इमरान रियाज, आपको उनसे मसला यानी मुखालफत किस बात की है? मैं चाहता हूँ वो आए, हम दोनों जफ्फी डालें, अपने बच्चों के साथ हों और फिर दोबारा लड़ाई इंशाल्लाह।